हेलो एवरीवन, इट्स कीर्ति शर्मा। वेलकम रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। टुडे वी आर स्टडीइंग क्लास 7 सोशल स्टडीज, चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 1, दैट इज द क्रिएशन ऑफ एम्पायर। आज हम इंग्लिश की जगह पर एसएसटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसकी जगह आज से हम रेगुलर एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास, दैट इज न्यू टॉपिक, द अकबर ग्रेट ऑफ मुगल। यानी जो अकबर था वो ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर का एक शासन या फिर सुल्तान माना जाता है, और उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो क्या थी। अकबर इज नोन एज द अकबर द ग्रेट एंड विद गुड रीजन। ही बिल्ट अ वास्ट एम्पायर बट इन ड्यूरिंग सो ही ऑलवेज यूज डिप्लोमेसी इंस्टिंक्ट ऑफ फोर्स वेयर एवर पॉसिबल। अकबर इज ग्रेटली रिस्पेक्ट फॉर हिज विश पॉलिसी। लेट अस लर्न अ लिटिल मोर अबाउट सम ऑफ दीज। अकबर को जो है अकबर द ग्रेट बोला जाता था, उसके पीछे काफ़ी सारे अच्छे रीजंस हैं। पहला रीजन ये था कि अकबर ने अपना एम्पायर, यानी सबसे बड़ा मुगल एम्पायर अगर किसी ने बनाया था तो वो था अकबर ने। सबसे वास्ट यानी सबसे बड़ा एम्पायर बनाया किसने था, अकबर ने, क्योंकि उसने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए थे। जैसे वो किसी भी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं करता था, और वो हर किसी की क्या है, हर जो वो पॉलिसीज़ बनाता था उनको वो एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ खुद भी फॉलो करता था और अपने सारे कर्टियर्स को भी फॉलो करवाता था। और उसके ही बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे। उसकी पहली चीज़ है रिलीजियस पॉलिसी, यानी उसकी जो धार्मिक पॉलिसी थी वो क्या थी। अकबर मिक्स्ड फ्रीली विद हिंदू, सूफीज एंड फॉरेनर्स। ही ट्रीटेड ऑल रिलीजियन ग्रुप इक्वली। ही एबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जज़िया व्हिच वर टैक्स पेएबल बाय नॉन मुस्लिम। ही इवन सेलिब्रेट सर्टेन हिंदू फेस्टिवल्स। अकबर जो था उसने क्या है अपने जो एम्पायर में मिक्स्ड पॉलिसीज चलाई थी, यानी वो हिंदू, सूफी और फॉरेनर सब वहाँ पर मिलके रहते थे। वो हर धर्म को क्या है इक्वल रिस्पेक्ट करता था, अपने जो उसका एम्पायर था उसमें वो हर धर्म की क्या है इक्वलिटी रखता था। और उसने जो पिलग्रिमेज टैक्स, यानी जो तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले लोग थे जिन पर टैक्स लगाया जाता था, वो भी हटा दिया था। जजिया कर जिसको बोलते थे वो भी उसने हटा दिया था, और वह टैक्स पेबल जो नॉन मुस्लिम जो थे वो पे नहीं कर पाते थे, इसलिए उसने वो भी हटा दिया था। और वो काफ़ी सारे हिंदूज के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करते थे। अकबर ग्रेटली रिस्पेक्ट द सूफी संत सलीम चिश्ती एंड द सिख लीडर गुरु रामदास। ही ग्रांटेड गुरु रामदास अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इन अमृतसर ऑन विच द सिख सिर हरमंदर साहिब वॉज लेटर बिल्ड। तो अकबर जो था वो सूफी संत और जो सिख गुरु होते थे उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। जैसे जो उनके सूफी संत थे सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के टीचर भी थे, तो वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और वो जो सिख के जो लीडर थे गुरु रामदास, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता था। और इसी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने क्या किया था कि गुरु रामदास को अमृतसर में एक प्लॉट दिया था जहाँ पर आज श्री हरमंदर साहिब का जो बिल्डिंग है वो बनी हुई है। इन द न्यू सिटी दैट अकबर बिल्ड एट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा देयर वाज अ हॉल कॉल्ड द इबादत खाना। अकबर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, ब्रिज, हाउस या फिर फोर्ट्स वगैरह बनवाए थे। उनमें से सबसे एक अच्छी बिल्डिंग उसने बनवाई थी जो कि फतेहपुर सीकरी है, जो कि आगरा के पास में है। और उसमें जो एक बड़ा कम्युनिटी हॉल टाइप का है उसको क्या बोला जाता था, इबादत खाना, यानी वहाँ पर बैठकर लोग क्या है अपने गॉड को याद कर सकते हैं, अपने भगवान को याद कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। हर स्कॉलर्स ऑफ ऑल रिलीजियस मीट फॉर रिलीजियस डिस्कशन। जहाँ पर उस इबादत खाना में क्या होता था, जो भी उसके स्कॉलर्स होते थे और जो रिलीजियस से जुड़े हुए लोग होते थे और जो भी रिलीजियस से जुड़ी हुई जो बातें होती थी, डिस्कशन होता था, वो सारा कहाँ, फतेहपुर सीकरी के उस इबादत खाना हॉल में होता था। अकबर ट्राइड टू कंबाइन द गुड पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजन्स इनटू अ सिंगल फेथ कॉल्ड दीन ए इलाही।
अकबर का ये मानना था कि सभी धर्म एक ही होते हैं, इसलिए सबको क्या है एक समान उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए उन्होंने दीन इलाही करके डिवाइन फेथ यानी लोगों को उस चीज़ के प्रति और मोटिवेट किया कि नहीं आप हर धर्म को एक मानो, इसलिए उन्होंने दीन इलाही बनाया था। द आइडिया ऑफ सुल्ह एक फुल यूनिवर्सल पीस एंड हारमोनी वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि सुल्ह एक कुल मतलब सभी लोग क्या है इस कंट्री में इस एम्पायर में सुख और शांति और एकता के साथ रहें। अब उनकी कुछ राजपूत पॉलिसियां भी थी। टू मेक द पावरफुल राजपूत चीफ हिज एलाइज अकबर मैरिड अ राजपूत प्रिंसेस सच एज द प्रिंसेस ऑफ आमेर। उस टाइम पे जो कुछ राजपूत चीफ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हीं में से एक मेन राजपूत चीफ जो थे उनकी बेटी से अकबर ने शादी की थी ही जो कि आमेर की प्रिंसेस थी। ही ऑल्सो गिव द राजपूत हाई पोस्ट इन हिज आर्मी एंड गवर्नमेंट। और उन्होंने जो राजपूत थे उस टाइम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी आर्मी में और अपनी गवर्नमेंट में उन लोगों को भी हाई पोजिशन दी हुई थी। राजा टोडरमल वॉज मेड द फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर के थ्रू अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो किसको बनाया गया था, राजा टोडरमल को बनाया गया था। राजा भगवान दास ऑफ आमेर एंड हिज सन मान सिंह वर ग्रांटेड हाई रैंक इन द आर्मी। और जो राजा भगवान दास थे और उनके बेटे जो थे मान सिंह, उनको अकबर ने क्या किया था अपनी आर्मी में एक हाईएस्ट पोजीशन प्रोवाइड कराई थी। मैनी राजपूत रूरल विलिंग बिकेम अकबर अलायंस एंड हेल्प हिम एक्सपेंड हिज किंगडम। तो काफ़ी सारे जो राजपूत रूलर्स थे जैसे कि मेवाड़ के और आमेर के, इन सब ने क्या है जो अकबर था उसको अपना किंगडम और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हेल्प की थी, उनके साथ मिलकर काम किया था। और काफ़ी सारे इवन हॉस्टेल राजपूत रूलर वर अल्टीमेट सराउंडेड टू अकबर यूजुअली अलाउड टू कीप देयर टेरिटरी एट वतन जागीर। तो उन्होंने क्या है कि अपनी जो अपना जो कंट्री थी अपनी जो टेरिटरी थी वो भी अकबर को दे दी थी ताकि सभी लोग मिलकर एक बड़ा सा एम्पायर बना सकें। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, अब अकबर जो था वो काफ़ी कल्चर लवर भी था तो उसको उसने कल्चर में भी काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। अकबर नेवर रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन इन स्पिरिट ऑफ दिस ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट ऑफ लर्निंग। इट इज बिलीव दैट अकबर्स लाइब्रेरी हैज़ मोर देन 400 मैन्यूस्क्रिप्ट। अकबर जो था उसने कहीं से मतलब एकदम पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन वो क्या था लर्निंग, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अकबर ने क्या है काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बनवाई थी जिनमें काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट यानी लोगों से जुड़े हुए किताबें थी। अकबर पैट्रोनेट्स टैलेंटेड पर्सन फॉर ऑल फील्ड। अकबर एक ऐसे पर्सन थे जो हर एक फील्ड में अपने आप अपना टैलेंट प्रूव करते थे। द नाइन जेम्स नेम अनदर अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खाने खाना द विटी बारबर बीरबल एफेक्शनेट ऑफिसर राजा टोडरमल राजा भगवान दास एंड राजा मानसिंह म्यूजिशियन तानसेन ऑफ ग्वालियर एंड आर्टिस्ट दसवान एब्रॉडेड अकबर स्कूल। अकबर ने एक बहुत ही शानदार पॉलिसी बनवाई थी जिसका नाम था नाइन जेम्स, यानी नाइन जेम्स में उन्होंने क्या कहते थे कि जो नाइन लोग थे यानी उनके अंडर में जो काम करते थे वो उनके नाइन जेम्स यानी नौ रत्नों के समान थे, जिनमें से पहले थे अबुल फैजल फैजी जो कि जिन्होंने उनके ऊपर बुक लिखी थी, रहीम खाने खाना जो कि उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बीरबल जो कि उनके सारे एडवाइजर्स से भी ज़्यादा वाइज एडवाइज़र थे, और राजा टोडरमल जो कि उनका फाइनेंशियल ऑफिशियल संभालते थे, भगवान दास और राजा मानसिंह जो कि उनकी आर्मी को देखते थे, और म्यूजिशियन जो कि तानसेन जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते थे, और उनके जो एक आर्टिस्ट थे दशवंत जो कि उनके ही कोर्ट में काम करते थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। अबुल फैजल वाज अकबर्स क्लोज फ्रेंड ही रॉट अकबर्स बायोग्राफी अकबर नामा। दिस बुक गिव अस प्लेंटी इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर रीजन विच वॉज इंडीड अ गोल्डन एज इन एवरी रिस्पेक्ट। तो अबुल फैजल जो थे वो अकबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए उन्होंने अकबर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अकबर नामा। और ये बुक जो है हमें अकबर से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा बातों के बारे में और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है।
इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम जो था अकबर वो जो थे सभी लोगों के लिए कितनी रिस्पेक्ट रखते थे और वो जो एरा था वो गोल्डन एरा माना जाता था। तो ये था हमारा चैप्टर द क्रिएशन ऑफ एम्पायर, किस किस तरीके से सुल्तान्स ने, किंग्स ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने किस तरीके से अपने अपने एम्पायर को क्रिएट किया था या बनाया था। हमारा ये चैप्टर आज यही फिनिश होता है। इसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching the video.